नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। देखिए, बहुत ही अद्भुत आज का विषय है कि आपके शरीर में देवता नहीं प्रेत की सवारी है। देखिए, मुझे बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं, मेरे शरीर में भी मां काली आती है, मेरे शरीर में भी देवता आते हैं। अब ये कितना सच है मुझे नहीं पता है, क्योंकि ना ऐसे इंसान मुझसे मिले हैं, ना मैंने अपनी आंखों से देखा है। और जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं, हो सकता है उनमें से कोई एक लक्षण आ रहा हो तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये मां काली की सवारी है या किसी देवता की सवारी है। एक बात आप समझ लीजिए कि आज का वीडियो मेरा बनाने का उद्देश्य यही है कि आज आपको कुछ जानकारी मेरे इस विषय के हिसाब से मिल पाए, जिसके बाद आपका कुछ मार्गदर्शन होगा और आपको समझ में आएगा कि वाकई में आपके अंदर किसी देवता की सवारी है या प्रेत की सवारी। सबसे पहले समझते हैं कि देवता की तो मैंने बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं, तो प्रेत आ कैसे जाता है, ये सवारी आती कैसे है। देखिए, प्रेत की सवारी, जाहिर सी बात है, देवी देवता से हम अपनी मनोकामना लेते हैं तो प्रेत से भी अपनी मनोकामना लेंगे। इस तंत्र शास्त्र में, इस कलयुग में अच्छी शक्ति भी है, बुरी शक्ति भी है। और ऐसा नहीं है कि बुरी शक्ति आपका बुरा ही करेगी, जब तक आप उसका साथ देंगे तब तक अच्छा भी करेगी और हो सकता है बाद में बुरा भी करेगी, क्योंकि एट द एंड में शेर जो होता है उसका काम है काटना, उसके दांत दिए हुए हैं। सांप, अगर कितना भी आप उसको दूध पिला लो, वो अगर जहर है तो वो काटेगा, ये कन्फर्म है। तो जब तक आप उसके साथ अच्छे हैं तो अच्छे हैं, और जब तक बुरे हैं तो बुरे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और इन जो भूत प्रेतों की जो डिमांड होती है, भूख होती है, वो कभी शांत नहीं होती है, उनका पेट बहुत बड़ा होता है, इसलिए तो भूत प्रेत है, क्योंकि उनकी योनि जो है वो भटकने के लिए है, वो तो खा रहे हैं, आप खिलाते रहो, खाते जाएंगे, डकारते जाएंगे, उनका पेट कभी भरेगा नहीं। तो कैसे ये भूत प्रेत की शक्तियां यानी प्रेत की सवारी आ जाती है, देखिए अब इसके जिम्मेदार भी हम ही होते हैं। चलिए आज पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। पहला पॉइंट, आपको पता नहीं है कि किस मंत्र से क्या होता है। आपने बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो देखी, अप्सरा साधना, यक्षिणी साधना, गंधर्व साधना, मुझे ऐसे कमेंट आते हैं कि प्रेत का साधने की वीडियो बताओ, बताइए प्रेत की। अरे मेरे भाई, पहले गणपति महाराज को ही तो सिद्ध कर लो, जो प्रथम पूजनी है, प्रेत को पहले साध लेंगे। तो ये जो नए युवा हैं, ये जो 16 साल 18 साल, इन्हें पता नहीं है कि तंत्र है क्या, तंत्र के कितने षडकर्म होते हैं, तंत्र के अंतर योग्यता क्या चलती है, है ना। तो इनको हथेली पे जो होता है वो सरसोगानी है, बहुत जल्दी फास्ट रिजल्ट चाहिए, भूत प्रेत। मैंने पहले भी कहा है कि इसका क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या होगा, आपको पता ही नहीं है, क्योंकि उसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होगी और फिर आप पीछे पलट के नहीं आ सकते हैं। तो प्रेत उन्हें साधना है, तो इसके जिम्मेदार क्या है। तो अब जैसे किसी ने वीडियो डाला, उसने डिस्क्लेमर लगा दिया कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से कोई भी प्रकार के अंधविश्वास को नहीं फैलाता हूं, अंधविश्वास को नहीं फैलाता हूं, मैं इसमें जो भी कर रहा हूं अपने हिसाब से इसका चयन करें, वो तो बच गया सेफ। अब आप कोर्ट में भी चाहे उसके खिलाफ कुछ कर लो, उसका कुछ नहीं होना, क्योंकि उसने डिस्क्लेमर लगा दिया। देखिए, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं सच्चाई के साथ रहता हूं, जिसको मिर्ची लगे लगे रहेंगे, सच यही है, कड़वा सच होता है, वो सुनने में थोड़ा खराब लगता है, लेकिन अगर जो लोग मुझसे जुड़े हैं तो मैं उनका सही मार्गदर्शन करूंगा। तो उसने डिस्क्लेमर लगाया, वो बच गया। अब आपने क्या किया, आपके अंदर तो वही भोग वासना है कि अरे मुझे भूत सज जाएगा तो मुझे अलादीन का चिराग लाके रख देगा, सुंदर सुंदर अप्सराएं देगा, धन देगा, पैसा देगा, कई प्रकार का भोग देगा, आपने मंत्र किया। अब आपको पता नहीं है कि वो मंत्र आधा है अधूरा है, और अधूरा नॉलेज विस्फोटक होता है, आपने पढ़ डाला। अब पढ़ डाला तो वो क्या है, वो स्पेल है, स्पेल। चाहे वो 24 अक्षर का मंत्र है, आपने 12 ही पढ़ा, लेकिन स्पेल तो काम कर गए ना। 24 अक्षर शायद पढ़ते तो शायद उसको सही कर सकते थे, लेकिन 12 अक्षर पढ़ा तो अब वो जो नकारात्मक शक्ति है आपके घर के अंदर मडरा गई। अब मडरा गई तो आप उसे वापस करने की आपके पास शक्ति नहीं, क्योंकि आपने गुरु दीक्षा ली ही नहीं है, आप तो अपने मन से कोई काम कर रहे हैं। तो अपने मन से कर रहे हैं तो आपने, वही बात है कि तीर छोड़ तो दिया है आपने, धनुष बाण सब आपको मिल के छोड़ दिया, लेकिन पता नहीं है कि वो कहीं लगेगा नहीं लगेगा, और लगने के बाद उसका परिणाम क्या होगा। तो आप इसके लिए पहला एग्जाम्पल, आप ही इसके दोषी हैं, आपने कर दिया, अब कुछ पता नहीं है। तो ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका, बहुत से ऐसे इस YouTube में ही मैं कमेंट, अपने में ही एक कमेंट देखता हूं, एक मुझे सज्जन का कमेंट आया था कि YouTube में नाम लिखा है, जो भी नाम लिखा हो, अजय मिश्रा, सुरेश मिश्रा, मुझे नहीं पता और मैं बताना भी नहीं चाहता। वो नाम पे उन्होंने देखा कि कुछ मेरे बारे में बताइए कि मुझ पे किसकी सवारी आ रही है।
अरे मेरे भाई, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा इतना तेजस्वी पुरुष पैदा नहीं हुआ है कि आपके सिर्फ यूट्यूब नाम से ऐसे 139 करोड़ तो केवल इंडिया की आबादी है। आप पता नहीं किस मुल्क से और किस खोए पाई प्रजाति से, दुर्लभ प्रजाति से आप कहां से पाए जाते हैं कि आपके बारे में सब कुछ बता दे। तो इन्हीं अंधविश्वास में लोग जी रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये गलत तरीका है, ये रॉन्ग नंबर है। जब तक आप किसी इंसान से मिलते नहीं है, सामने से आपकी आंखों में आंखें डाल के वो देखता नहीं, इसे त्राटक बोलते हैं और इसे इंट्यूशन पावर बोलते हैं, इसे फेस रीडिंग बोलते हैं। और एक सिद्ध पुरुष जो बहुत भगवानों की पूजा करता है, सिद्ध हो जाता है, सिद्धि आ जाती है, वो आपके चेहरे को देख के बता सकता है। तो ऐसे सिर्फ यूट्यूब के नाम से कोई नहीं बता सकता है। तो पहले अंदर से जो गंध है, ये अंधविश्वास है, पहले ये निकालिए, ये तंत्र नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे चीजें आती हैं और फिर यही लोग भ्रमित हो जाते हैं। क्या होता है कि ऐसे लोग फिर ओझा के पास जा रहे हैं, फिर तांत्रिक के पास जा रहे हैं, इसके पास उसके पास जाते रहते हैं। मैं खुद देखता हूं, मेरे एक फ्रेंड ही है, बल्कि फ्रेंड है कहने को, लेकिन वो दुनिया भर के वहां जाते रहते हैं। मैं उनसे टोकता हूं ना रोकता हूं, क्योंकि मैं टोक चुका हूं, उनके समझ में नहीं आता। तो ऐसे जो मेरे सामने हैं जिनको मैं टोक रहा हूं, वो नहीं समझ रहे हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो तांत्रिक के पास जा रहे हैं, ओझा के पास जा रहे हैं, पीर में जा रहे हैं, मजारों में जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, कहां कहां जा रहे हैं, खाक छान रहे हैं हर जगह की। और इतनी जगह में वो नेगेटिव एनर्जी ले लेके आ रहे हैं, और ऐसी जगहों में जाहिर सी बात है सब चीजें होती हैं, तो अपने साथ लेके आ गए। अब लेके आ गए तो आपको अंदाजा नहीं है, कई कई जो महिलाएं होती हैं वो भी चली जाती हैं ऐसे जगहों में। और एक बात याद रखिएगा कि पुरुषों में ब्रह्म राक्षस और महिलाओं में, यानी महिला की योनि में चुड़ैल, ये आसिक मिजाज प्रवृत्ति के होते हैं। अगर आपके अपोजिट जेंडर में लग गए तो फिर ये आसानी से पीछा नहीं छोड़ते हैं। एक मुझे कमेंट आया था कि क्या गायत्री मंत्र से मैं बहुत ही शक्तिशाली जिन प्रेत को हटा सकता हूं? बिल्कुल नहीं हटा सकते हैं, बिल्कुल नहीं हटा पाएंगे, ये एक अच्छा सा सत्य है। किसी भी मंत्र से आप नहीं हटा सकते हैं। क्यों नहीं हटा सकते? जब तक आपने उन मंत्रों को सही प्रकार से सिद्ध ना किया हो, सिद्ध यानी जब तक उन मंत्रों का श्राप विमोचन ना किया हो, क्योंकि मंत्र सारे कीरित और श्रापित हैं, उनकी एक सिद्धि यानी एक प्रॉपर तरीके से साधना करके उनको जागृत किया जाता है, तभी काम करेंगे। अदरवाइज वो सिर्फ एक वर्ड लेटर ही मात्र है तो काम नहीं करेगा। तो ये तरीके होते हैं जो कर लेता। तीसरी बात, अब एक और बात है, ऐसे इंसान अपने घर में कुल देवी देवता की पूजा करते थे, कुल देवी देवता की पूजा करते थे, लेकिन उन्हें लगा कि दूसरे के देवता शक्तिशाली हैं, फिर उन्होंने अपने घर में उसका स्थापना करी। ये होता है आजकल, ज्यादातर चल रहा है, खासकर कि ग्रामीण क्षेत्रों में, उनकी मूर्ति अपने घर में रखी। अब आपके जो कुल देवता है वो रुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपने दूसरे का साथ दिया, रुष्ट हो गए तो आपके घर में बुरी चीजें चालू हो गई। अब वो भूत प्रेत आपके प्रसाद को ग्रहण करेगा और अपने आप से शक्ति बढ़ाएगा, यानी आप खुद शेर को दूध दे रहे हो कि भैया बड़े हो जाओ और हम ही को खा लो, तो आपने गलती की। अब चौथी बात सुनिए, चौथी बात है कि भगवानों पर पहले आपका ध्यान था, आपने खुद की मूर्ति थोड़ी, अंधविश्वास फैलाया और भूत प्रेतों को पूजने लग गए, तो भी उसे फायदा मिल गया। पांचवी चीज, आप गलत चीजों का फायदा उठाने के लिए आप तंत्र शास्त्र में यानी तंत्रों के क्षेत्र में आप चले गए और आपने गलत हथकंडे अपना लिए। आप टोटके को छोड़ के आप टोना करना स्टार्ट कर दिया, आप तंत्र विद्याएं करना चले गए, आप काला जादू करने लगे। रीजन कुछ भी हो, आपको जल्दी चीजें चाहिए हो, इस वजह से करने लग गए। आपने स्पेलिंग चालू कर दिया, आपने यूट्यूब में या किसी भी जगह में गूगल में सर्च मारा कि स्पेल क्या होता है, बुरी इंसान का बुरा करना, तो आपके साथ बुरा होने लगा। यानी आपके साथ अगर किसी ने गलत किया तो आपने किसी दूसरे का सहारा नहीं लिया और आपने अपने मन से ही कि इसने मेरे साथ गलत किया, मैं भी करूंगा, मैं तंत्र का सहारा लूंगा। जाहिर सी बात है कि आप जिसने आपके साथ गलत किया, हो सकता है उसके साथ कोई सिद्ध इंसान जुड़ा हुआ हो, आप ना इतने शक्तिशाली हैं, ना इतने पावरफुल हैं, ना आपके पास इतने मंत्रों का पावर है, ना आपने सिद्धियां ली, आपने भी उसके खिलाफ किया। अब जब खिलाफ आप करेंगे तो उसे पता चल जाएगा 100%, और पता चल जाएगा अब तीन बार वो दुगने तरीके से आपके ऊपर तंत्र का मुठ मारेगा, तो आप बच नहीं पाओगे, संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि आपको चौकी बांधना ही नहीं आता, आपको सिद्धि नहीं आती है। तो ये भी एक कारण होता है। और सबसे बड़ी बात आती है कि ये सब तो आपने कर ही लिया है, ये करते आ रहे हैं आप, जो भी आप काम करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही आपके अंदर ये सब लक्षण दिखते हैं तो बहुत से लोगों को लगता है कि उनके अंदर सवारी आ रही है, सवारी आ रही है। फिर वो क्या करते हैं, दूसरी जगह में जाते हैं जहां पर सवारियों को झाड़ा जाता है, उतारा जाता है, निकाला जाता है, समझाया जाता है, उनके पास गए। अब वो जो मेन पॉइंट है, वहां पर आपको पता ही नहीं है कि ऐसा इंसान वाकई में उसके ऊपर महाकाली आ रही है, भैरव आ रही है। क्योंकि आजकल कलयुग में भगवानों को, देवताओं को कम, प्रेतों को ज्यादा पूजा जाता है। जिस जगह पे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, आप सब लोग मुझे सुन रहे हैं, वो पृथ्वी लोक है,
इसके नीचे नाग लोग है, आपके ऊपर भूत प्रेत लोग है, यानी आपके जस्ट सटा हुआ भूत प्रेत लोग है, फिर अप्सराओं का लोग है, फिर गंधर्व का लोग है यानी कुबेर देवता वगैरह, फिर आपके ऊपर देवताओं का लोक है, फिर भगवान के बैकुंठ कैलाश है, तो इतनी ऊपर आयाम है, तो भूत प्रेत आपके निकट है, तो भूत प्रेत को जल्दी साथ लेते हैं, सिद्धियां मिल जाती है, थोड़ा सा आपने बुरा काम किया, खून बहाया, ये इसके बाल उसके बाल किए, वो सिद्ध हो गए। तो अब क्या हुआ कि जब उस इंसान को पता चला कि मेरे पास ये साधिका आई है या साधक आया है या जो भी ले जाई है, इसके ऊपर मां काली उसने देख लिया सख्ती से, भूत से पूछा, भूत ने कान बता दिया कि वाकई इसके पास सख्ती है, तो अब वो क्या करेगा? क्या वो भूत की शक्ति आपके देवता से बड़ी है? नहीं, आपके देवता बड़े हैं, आपके भगवान बड़े हैं, लेकिन जो आपने हरकत की है उसकी वजह से आपकी देवता की शक्ति कम हो गई। कैसे कम हुई? उसने कहा कि ये लो मुझसे खा लो और आपके अंदर माँ काली जागृत हो जाएंगी, क्योंकि उसे अपना भूत बैठाना है। तो जैसे ही आपने खाया तो वो एक खराब चीज थी, निगेटिव चीज थी, अब आपका शरीर पवित्र है और आपका शुद्ध है, चक्रा जागृत है, आपने खाया, आपने खुद निगेटिव एनर्जी अपने अंदर ले ली, तुरंत देवता चले जाएंगे उस छोड़ के, क्योंकि आपका जो शरीर होता है, जो आपका स्थान होता है, वो मंदिर होता है, मैंने पहले कहा था, वो मंदिर को छोड़ दिया भगवान, अब जैसे ही छोड़ा तो आपकी दुर्गति निश्चित है, अब आपका पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, अब आप उपटांग हरकत कर लोगे, भगवान को कोसने लग जाओगे, फिर उसके पास जाओगे, क्योंकि अब आपके पास वो चीजें नहीं हो रही, अब बोलोगे गुरुदेव मेरे पास नहीं हो रहा, वो पहले आती थी अब नहीं हो रही, वो फिर से देगा आपको, हर बार वो आपको दे रहा है और हर बार आपकी शक्ति वो हो रही है। तो इसके काबिल क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि इसके जिम्मेदार आप हैं। तो जो भी आपके साथ हो रहा है ऐसे करने में, अगर ये सारे चीजें आपने करी हैं, तो आप समझ जाइए कि ये आपके अंदर देवता के लक्षण नहीं है, भूत प्रेत की सवारी है। मैं फिर से कहना चाह रहा हूं कि जो भूत प्रेत की सवारी होती है वो खराब चीजें होती है। अब आप विस्तार से इस वीडियो को पॉइंट टू पॉइंट सुनिए। अगर आपके अंदर भूत प्रेत की सवारी हो, आप हमेशा बीमार रहेंगे। अगर आपके अंदर भूत प्रेत के लक्षण होंगे तो आपका पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा। अगर आपके अंदर भूत प्रेत के लक्षण होंगे तो पूजा पाठ करते समय आपको बहुत उबासी आएगी और कंटिन्यू आती रहेगी। ये अगर 3-4 महीने से भी कम नहीं हो रहा, दैट्स मीन नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा है, आपके पूजा पाठ सही नहीं। अगर आपको पूजा पाठ करते समय गुस्सा आने लगता है बहुत तेज तेज और का खत्म नहीं होता है, तो आपके अंदर भूत प्रेत के लक्षण है। आपको अगर 5-6 साल से बहुत बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, या हो सकता है कि 1 साल से ही बहुत बुरे बुरे सपने आना स्टार्ट हो गए हैं, जब भी आप भगवान का जाप करते हैं उसी समय वो सपने बहुत बुरे बुरे आते हैं, लगता है कोई दबा रहा है, कोई गले में बैठ रहा है, कोई सीने के ऊपर चढ़ गया है, दैट्स मीन ये बुरे लक्षण है। आपके घर में कोई बहुत ज्यादा बीमार रहता है, काफी समय से सही नहीं हो पा रहा, दवाई मर्ज सब करा लिए, रिपोर्ट भी नॉर्मल है, भूत प्रेत के लक्षण है। अगर आपका शरीर दुबला पतला होता जा रहा है, सूखता जा रहा है, तो भी भूत प्रेत के लक्षण है। खाने में मन नहीं लगता है और शरीर में खून की कमी होती जा रही है, आंखें धस गई हैं, सो नहीं पाते हैं, रात में बार बार आंख खुल जाती है, 1 बजे बेचैनी रहती है, विचलित हो जाते हैं, तो भूत प्रेत के ही लक्षण है। अगर आपके सर के बाल पक रहे हैं, सफेद बाल नहीं हो रहे, पीले कलर के होने लगे, बाल झड़ बहुत ज्यादा रहे हैं, यानी आप शैंपू लगा रहे, साबुन लगा रहे, ऐसे बाल हाथ में आ जाते हैं, तो भूत प्रेत के ही ये लक्षण होते हैं। इसी के साथ साथ भूत प्रेत के लक्षण जिसमें भी होते हैं, ऐसा इंसान फिर धीरे धीरे भगवानों को कोसने लग जाता है, भगवान से कटने लग जाता है, मूर्तियों को भी तोड़ मरोड़ देता है, फेंक देता है, छोड़ देता है, भगवान का सांस धीरे धीरे उसके अंदर कम हो जाता है। ऐसे इंसान फिर अब बुरी बुरी बातें करता है, कहता है कि सब बेकार है दुनिया मेरे लिए, मुझे भगवान से नफरत है, यानी उटपटांग बातें करने लग जाता है। ऐसे इंसान का पूरे दिन भर, पूरे सुबह से लेकर शाम तक सर भारी रहता है, ऐसा लगता है कि सर फट रहा है। अगर आपका सर फट रहा है, दैट्स मीन ये निगेटिव एनर्जी है, भूत प्रेत के लक्षण है। सवारी आते समय ही केवल सर फटता है, पूरे दिन भर नहीं फटता, ये बात याद करिए। जब भी आपका सर फटेगा, जब उस देवी देवता का आप मंत्र जाप करेंगे, साधना चौकी लगाएंगे, तो ही सर फटेगा। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, मेरी वीडियो जिन्होंने पूरी समझी होगी उनको पूरा समझ में आ गया होगा, बाकी लोगों को नहीं समझ में आया तो उनका भगवान ही मालिक है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, नमो नारायण, जय महाकाल, जय मंगलम की।